दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्राकाल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राकाल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकॉन जरूर दबाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसीलिए भूलकर भी भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई थी और एक वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि, और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख ले। दीपक आप चाहें तो आटे का बना लें या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के, और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाई हाथ की कलाई में राखी बांधे और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं, भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें कि बहन, तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, मां बाप को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, मां बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा, और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात में 11:55 हो रही है। ऐसे में उदयातिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। रक्षाबंधन 2024 भद्रा का समय, इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर है, उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ ही माना जाता है, लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो भैया करना ही पड़ता है, किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना।
दोस्तों, रक्षाबंधन के शाम पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है, जो राज पंचक होगा। इसको अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। दोस्तों, अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। देखिए, 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर 9:08 तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7:38 तक का समय मिलेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ ये परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का मुहूर्त 19 अगस्त को 9:08 तक का है। तो इसमें आप सूर्यास्त के समय भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पढ़े या दिन में, मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। दोस्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे दोस्तों। और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है दोस्तों। और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए, इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है, बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत रोली, चंदन का तिलक, भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे, वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे, वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है, भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसीलिए लहसुन प्याज, मांस मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में आप खीर पूरी, खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं, मीठा हलवा, मीठी सेवियां जरूर बनाएं, कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए, कुछ बनाएं या ना बनाएं, पर मीठी सेवियां जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी आलू, मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता आप बना सकते हैं। घर में इस दिन पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का खाना ही बनाएं।
इसे शास्त्रों के अनुसार पक्का खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय बनाया जाता है। इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद, फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है, और बहन को एक निबाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निबाला अवश्य खिलाएं, इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहते हैं जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं, नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं तो उन्हें घर में खट्टा नहीं बनना चाहिए, खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए। खट्टी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि, खट्टा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए, इससे माता संतोषी नाराज हो जाती है। अक्सर शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ जाता है, तो कभी भी जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ जाए और यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगी। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है, वह यह बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता हो तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती है, वह स्वयं धरती पर पधारती है, क्योंकि शुक्रवार मां संतोषी का वार है, इसीलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। संतोषी माता यदि प्यारी हैं तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशी है, लेकिन यह तो संजोग की बात है कि रक्षाबंधन पर शुक्रवार पढ़े, यदि पढ़ जाए तो थोड़ा सावधान हो जाएं। भैया हम हिंदू हैं तो धर्म शास्त्रों का पालन तो करना ही पड़ेगा। रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती है। यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधे, इससे आपकी भाई की रक्षा होगी, वह विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर और दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 83 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। साल में एक बार ही आता है रक्षाबंधन, तो कर लो दोस्तों यह उपाय, क्या पता आपका भाग्य चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य सातवें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते, और यदि एक बहन भाई के लिए यह उपाय करें तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है, और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। दोस्तों, रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य होता है। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य पुराण में वर्णित है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ और जब दान हावी होते नजर आने लगे, तब भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास चले गए। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके उनके हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। सबका दृढ़ विश्वास हुआ कि इंद्र उस लड़ाई में उसी धागे की मंत्र शक्ति से विजय हुए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। मतलब साफ है, भाई मृत्यु को चकमा देता है और विजय प्राप्त करता है। यह धागा धन शक्ति, हार और विजय देने में पूरी तरह समर्थ जाता है। श्रावणी पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और कई क्षेत्रों में इस दिन समुद्र देवता की पूजा की जाती है। लेकिन ध्यान रखें, गलती से भी लोहे की कांच की या फिर जर्मन धातु की वस्तु अपनी बहन को
राखी के दिन बिल्कुल भेंट ना दे, यह शास्त्रों के विरुद्ध है। इसके अलावा दोस्तों, राखी के दिन आप बाल ना कटवाए, दाढ़ी ना बनवाए और झूठ क्रोधवाद विवाद आदि से दूर रहे। किसी का दिल ना दुखाए, इस दिन द्वार पर आए याचक को खाली हाथ ना लौटाए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। राखी के दिन आप एक समय भोजन करके व्रत कर सकते हैं। मासिक धर्म की अवस्था में महिलाओं को स्पर्श या पूजन करने की मनाही होती है, तो ऐसे समय में अपने भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। आप बाद में जन्माष्टमी तक कभी भी राखी बांध सकती हैं या अपनी राखी किसी और महिला के माध्यम से अपने भाई को बंधवाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, अगर आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आपको रक्षाबंधन का पर्व सूतक के दौरान नहीं मनाना चाहिए। अगर रक्षाबंधन के दिन किसी के घर परिवार में अचानक उसी दिन अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो रक्षाबंधन के दिन राखी का पर्व उन्हें नहीं मनाना चाहिए। यानी तब तक वह राखी अपने घर में नहीं मनाएंगे जब तक उनके घर में किसी का जन्म नहीं हो जाए, और जन्म भी हो तो राखी के दिन ही होना चाहिए। कोई गाय उनके घर में बछड़े को जन्म दे दें या कोई भी पालतू प्राणी, अगर राखी के दिन उनके घर में बच्चे को जन्म दे दें तो राखी का त्योहार उनके घर में आरंभ हो जाएगा। अन्यथा प्रतिवर्ष राखी के दिन रक्षाबंधन का त्योहार उस दिन को छोड़कर कि आप अगले दिन मना सकते हैं, लेकिन उस दिन उस पर्व को मनाना वर्जित हो जाता है। तो दोस्तों, विधि विधान से आनंद पूर्वक यह प्यार का त्योहार मनाइए और घर परिवार में ढेरों खुशियां लाइए। और यदि आपको लगता है कि आप पर नजर लग गई है या बहन है मुझे सुन रही है, आपको लगता है कि मेरे भाई को किसी की नजर लग गई है, तो इस दिन जो फिटकरी आप लेकर के जाएंगे वो अपने भाई के ऊपर से 7 बार आपको उलटी दिशा में वारना है और उसे जाते समय वापस आप लेते जाइए अपने साथ। घर जाते वक्त कोई चौरस्ते पर आप फेंक दीजिए या चूल्हे की आग में डाल सकते हैं। इससे नजर दोष दूर होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, आसपास आपके भाई के सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनता है और हर प्रकार की अला बला से उसकी रक्षा होती है। ध्यान रखें, राखी जब बांधेंगे तो हमेशा भाई के दाहिने हाथ में ही बांधनी चाहिए, और भाई के सिर पर मैंने बताया जो छोटा रुमाल आप लेके जाएंगी, कपड़ा कोई कपड़ा भी रख सकते हैं, रुमाल या टोपी आप उनको पहना सकते हैं, और तिलक जरूर करें। बिना तिलक के कई लोग ऐसे ही राखी बांधते हैं, मैंने देखा है। तिलक जरूर करें और मुंह मीठा जरूर करें, और भाई को भी चाहिए कि आज के दिन बहन को खाली हाथ ना जाने दे, कुछ ना कुछ पैसे उसे जरूर भेजे, और अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो थोड़े से चावल के दाने उसके हाथों में रख दे। दोस्तों, रक्षाबंधन का दिन है, पूर्णिमा तिथि है, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा है, अत भाई बहन दोनों को चाहिए कि इस दिन शिवजी की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को रात को आप लोग अगर एक ही जगह रहते हैं, कुंवारे हैं या फिर एक दूसरे के घर गए हैं, तो इस दिन खीर बनाकर थोड़ी सी रात में चंद्रमा को लक्ष्मी माता को भोग लगाकर सभी लोग इसे प्रसाद के तौर पर जरूर आरोगे, और आज के दिन चंद्रदेव की पूजा जरूर करें। इससे कहते हैं कि मनुष्य के अंदर बहुत जबरदस्त पावर्स आती है, उसका सब जगह आधिपत्य हो जाता है। बहुत ही सौम्य तिथि है, और इस प्रकार से शिव शंकर और चंद्रदेव की पूजा करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है, और भाई बहन के रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। तो दोस्तों, रक्षाबंधन के बारे में मैंने अपनी तरफ से सभी जानकारी देने की कोशिश की है। कुछ रह गया हो तो प्लीज मुझे वीडियो के नीचे लिख के अवश्य पूछ लें, और अपनी राशि कमेंट्स में डालना मत भूलना। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में बता देंगे। और ध्यान रखें, भद्राकाल में भूल से भी राखी नहीं बांधनी है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।